फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट काफी टाइम पहले आ चुका है। अब तुमको क्या करना है, सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी या जानना है कुछ टॉप कॉलेज बीटेक के लिए जहां पे मिनिमम जेई स्कोर पे एडमिशन मिल सकता है। सो यार, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी तुमको एक ब्रांडेड बीटेक कॉलेज चाहिए जहाँ पे तुमको सीएसई मिल सके, जहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, जहाँ का फैसिलिटीज टॉप नॉच का हो, बेस्ट प्रोफाइल का जॉब लगे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो यार, तुमको पता ही होगा गलकोटियास कितना बड़ा ब्रांड है, बहुत फेमस कॉलेज है और काफी रेपुटेड भी कॉलेज है, और इसे दिल्ली एनसीआर और यूपी का टॉप रैंकिंग हाईएस्ट रैंकिंग कॉलेज माना जाता है। फीस है यहाँ पे अराउंड 6 लाख रुपीज, एवरेज प्लेसमेंट है 5.40 एलपीए, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 1.50 करोड़। तुमको यहाँ बढ़िया प्रोफाइल वाले कंपनीज और जॉब्स मिल जाएंगे। सो अगर तुम्हारे पास एवरेज स्कोर है और बजट एवरेज है लेकिन तुमको बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी भी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में आता है जहाँ पे रिसर्च पे काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है। फीस है यहाँ पे 14 to 16 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 58 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 10 to 11 LPA। अगर तुमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए जहाँ का करिकुलम इंडस्ट्री रिलेवेंट हो और जहाँ का फैकल्टीज भी टॉप नॉच का हो तो डेफिनेटली इसे भी कंसिडर कर सकते हो। देखो यार, ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद साइट का है लेकिन इनका रैंकिंग वाइज ये ऑल ओवर इंडिया में टॉप 100 में आता है। फीस है यहाँ पे 9 लाख रुपीज, एवरेज प्लेसमेंट है 5.5 LPA, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 34.4 LPA। अगर तुमको साउथ में पढ़ाई करनी है और चाहिए एक टॉप नॉच कॉलेज जहाँ मिनिमम स्कोर पे एडमिशन मिल सके तो डेफिनेटली इसे अपने लिस्ट में रख सकते हो। और हाँ यार, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जानने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है अपने करियर को लेकर या किसी टॉप कॉलेज को लेकर या मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड तो डायरेक्टली से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। इस इंस्टीट्यूट को अराउंड 30+ ईयर्स हो चुका है एजुकेशन फील्ड में, काफी रेपुटेशन है इनका। फीस है अराउंड 14 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 85 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगभग 8 LPA तक लग जाता है। देखो यार, ये इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट भी माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, जिन्होंने एक अलग ब्रांड नेम बनाया है अपना इंजीनियरिंग कैटेगरी में। दिल्ली एनसीआर में जीएल बजाज को कौन नहीं जानता है, काफी फेमस कॉलेज है और यूपी एंड दिल्ली एनसीआर का टॉप रैंकिंग कॉलेज माना जाता है। फीस है यहाँ पे 6 to 7 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 58 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है 6.74 LPA। कॉलेज तो इंजीनियरिंग का है लेकिन तुमको वाई वाई की स्कूल वाली, अब पूछो क्यों, क्योंकि यार ये कॉलेज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुमको बहुत ज्यादा फोर्स करेगा पढ़ाई करने के लिए, डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेस कोड पहनने के लिए डेली। बट द क्वेश्चन इज, क्या तुम सीरियस हो एक स्कूल वाले लाइफ जीने के लिए? एमिटी यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता है, काफी फेमस है और काफी बड़ा ब्रांड भी है। मैं तो बोलूंगा बाकी कॉलेजेस को एमिटी से सीखना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है। इतना मार्केटिंग करो, इतना मार्केटिंग करो कि हर एक स्टूडेंट बोले नाम तो जरूर सुना है एमिटी का। बाय द वे, फीस है यहाँ पे 8 to 16 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 62 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 5 to 7 LPA। वैसे एमिटी को अमीरों का यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या तुम अमीर हो? ये यूपी का वन ऑफ द फेमस और हाई रैंकिंग कॉलेज है। अगर तुम दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद से टॉप बीटेक कॉलेज चाह रहे हो तो डेफिनेटली एबीएस को लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ पे फीस है अराउंड 6 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 46 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 6 LPA। सो ये था यार एबीएस गाजियाबाद। अब मैं बताऊंगा आगे 4 ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ का फीस 9 to 10 लाख रुपीज है बीटेक में लेकिन फेमस काफी ज्यादा है ये सारे इंस्टीट्यूशन। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और हाँ, अगर तुमको इनमें से किसी भी कॉलेज का डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट करो। कम ऑन यार, कमेंट करो अभी। ये यूनिवर्सिटी भी रैंकिंग वाइज टॉप 100 में आता है ऑल ओवर इंडिया में और पंजाब का भी टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है। फीस है यहाँ पे अराउंड 9 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 55 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है 9.54 LPA। देखो यार, अगर तुमको एक ऐसा लीडिंग यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता हो तो डेफिनेटली इसे अपने लिस्ट में रख सकते हो। काफी कम टाइम में इस यूनिवर्सिटी ने एक अपना बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनाया, बट कैसे? इसका सिंपल आंसर है, बेनेट यूनिवर्सिटी को ऑन करता है टाइम्स ग्रुप और टाइम्स ग्रुप के पास है 180 साल का लेगेसी, यस 180 ईयर। और इससे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इनके अंडर में बहुत सारी कंपनीज आती है और बहुत सारा पैसा है इनके पास, तो ब्रांड तो यार बनना ही था। फीस है यहाँ पे अराउंड 15 लाख रुपीज, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 1.2 करोड़ रुपीज, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 11 LPA और लोएस्ट प्लेसमेंट लगा था 6 LPA। सो चीज तुमने देख लिया, अगर ये है मतलब मनी तो कंसिडर कर सकते हो।
LPU ने भी अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनाया है काफी कम टाइम में, और आज के डेट में ये इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है। इसका रीजन है डबल एम, यस डबल एम मतलब मनी एंड मार्केटिंग, दैट्स इट। फीस है यहाँ पे अराउंड 11 लाख रुपीस, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 55 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 15 LPA। सो यार अगर तुमको हाई लेवल का कैंपस लाइफ जीना है, जबरदस्त वाली बॉलीवुड वाली, और स्पोर्ट्स में भी तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, नीरज चोपड़ा यहीं से थे। लास्ट इंस्टीट्यूट, अगर तुमको पहाड़ और नेचर पसंद है तो डेफिनेटली ये भी पसंद आएगा। इनके पास तुमको इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, और ये भी यार ऑब्वियसली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। माउंटेन्स के बीच पे एक बहुत फेमस, एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस जहाँ ऑलरेडी मैंने विजिट किया था, जबरदस्त। फीस है अराउंड 20 लाख रुपीस, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 58 LPA, कट। फीस है यहाँ पे अराउंड 20 लाख रुपीस, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 50 LPA, एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 11 LPA तक लग जाता है। इस यूनिवर्सिटी में तुमको सारे अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिल जाएंगे टॉप नॉच का, वर्ल्ड क्लास लेवल का, लेकिन तुमको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा अगर प्लेसमेंट चाहिए, वरना मेरा फाइनल ओपिनियन जानने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी टॉप कॉलेज को लेकर, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, अगर तुम्हारे पास अच्छा स्कोर नहीं है लेकिन बजट है, ये, और तुमको एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट चाहिए जो फेमस हो, जहाँ पे बढ़िया प्रोफाइल वाली कंपनीज आती हो, लोकेशन अच्छा हो, तो इनमें से एक को डेफिनेटली तुम चूज कर सकते हो। और बाकी बताओ यार, इस लिस्ट में और कौन सा कॉलेज ऐड हो सकता है इस लिस्ट में, कमेंट करो अभी। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।